वीडियो में हमारे पास है एक वॉशिंग मशीन जो कि आती है कपड़े धोने के काम में। जो ये वॉशिंग मशीन है इसमें आप लोग जानते ही हो कि कपड़े धोए जाते हैं, लेकिन गाइस आज हम इस मशीन में धोने वाले हैं किसी इंसान को। गाइस आप समझ रहे होंगे इंसान को, हाँ आज हम इसमें आदमी को धोएंगे। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि इस मशीन में किसी इंसान को भी धोया जा सकता है। हाँ गाइस धोया तो नहीं जा सकता, बट आज हम इस मशीन में किसी इंसान को धोकर देखेंगे क्या हमारी मशीन किसी आदमी को धो पाती है या नहीं धो पाती है, और उसके शरीर पर जो जमा हुआ मैल है वो छूटता है या नहीं छूटता है। तो गाइज इस वीडियो के लिए आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है वो दबा दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं, और गाइज वीडियो पूरी देखना, वीडियो में मजा आने वाला है। तो चलिए अपने काम पे फटाफट से लग जाते हैं। गाइज ये जो बाल्टी ले ली हमने, इसमें फटाफट से पानी भर के इस वॉशिंग मशीन के अंदर डालते हैं, और ये हमारे पास ये सर्फ भी है, ये सर्फ भी डालेंगे। सेम प्रोसेस जैसे कपड़े धोते हैं वही प्रोसेस हम टोटल फॉलो करेंगे। तो चलिए फटाफट से इसमें पानी डाल देते हैं। तो गाइस ये इसका ढक्कन खोलते हैं और इसमें डालते हैं पानी। एक बाल्टी हमारा 20 लीटर पड़ गया, अभी इसमें और पानी डालना है क्योंकि कपड़े होते कम, एक इंसान को हमको मानी पूरा डूबना चाहिए इसमें, इस वॉशिंग मशीन में पूरा डूबना चाहिए। तो एक बाल्टी पानी और भरेंगे, और गाइस एक और बाल्टी जो पानी है हमने इसमें डाल दिया है, और अब सरफ डालने की बारी है। ये सरफ है और इसमें डाल देते हैं। हमने सरफ भी डाल दिया है, करीब आधा किलो सरफ डाल दिया हमने, इतने पानी के लिए इतना सरफ काफी है। तो अब इसमें है आदमी को डालने की बारी। तो इसके लिए मैं तो इसमें बन नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा आकार बहुत बड़ा है, तो इसमें किसी छोटे इंसान के लिए बिठाना पड़ेगा। तो छोटा इंसान हमने खोज लिया, हमारा एक टीम मेंबर है। आ भाई ये है हमारा एक टीम मेंबर, और इसको इसमें डालेंगे। तो भाई साहब घुस जाओ। तो गाइस इसको मैंने डुबा दिया इसी में, अभी ये पानी में पूरा कम डूब पा रहा है, इसके लिए भी थोड़ा पानी और डालना पड़ेगा। हमने इस इंसान को, ये जो हमारा टीम मेंबर है, इसको इसमें बंद कर दिया है, बैठा दिया है। देख सकते हैं, पास दिखाओ, देखो ये पूरा इसमें बैठ गया है, और ये देखो सर्फ का झाग ही झाग हो गया है। और अब इसका ढक्कन करते हैं बंद। अब ये हो चुका है इसमें बंद, हमने मशीन सारी बंद कर चुकी है। अब इसका जो टाइमर है ये बटन ऑन ऑफ वाला, अब इसको ऑन करते हैं, और इसका टाइमर लगाते हैं हम 6 मिनट पे। ज़्यादा देर तक हमारा जो इंसान है इसमें रह नहीं सकता क्योंकि इसमें थोड़ी ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही, किधर से सारी तरफ से बंद है, तो थोड़ी देर के लिए लगाएंगे। तो गाइज हमारी ये मशीन है चालू हो चुकी है, और अब थोड़ी देर का वेट करते हैं। तो गाइज हमारे जो 6 मिनट थे वो पूरे हो चुके हैं, और हमारी मशीन भी हो चुकी है बंद। तो अब देखते हैं इसमें से क्या निकलता है, क्या जो हमारा आदमी था वो धुल पाया है या नहीं धुल पाया है। तो देखते हैं। ओ भाई साहब इसकी हालत देखो क्या हुई, ये तो पूरा भीग गया इसमें निकल रहा है। निकल जाओ भाई, निकल 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 निकल। और देखते हैं ये सारा पूरा का पूरा मशीन में, भाई अंदर कैसा लग रहा था एक बार इसको पूछते हैं, अंदर मशीन के अंदर कैसा लग रहा था इसको। हाँ भाई कैसा लग रहा था मशीन के अंदर। ओ गाइस देखो इसके सारे कपड़े पपड़े सारे ही वो हो गए। गाइस आप लोगों ने देखा कि आज हमने एक
इंसान को भी कपड़े धोने वाली इस मशीन में धो डाला। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।